अस्सलाम वालेकुम बंसीज़। तो भाई मामला ये है कि आज हमारी एक नई सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है जिसका नाम है, मैंने रखा बंसी रिव्यूज़, क्योंकि हर साल हमारी एक नई सीरीज़ आती है। जिस तरह 2017 में मैंने व्लॉगिंग शुरू की, तो 2018 में मैंने ऑल अबाउट सीरीज़ निकाली, फिर 2020 में मैंने कराची कॉमेडी स्टोरीज निकाली, तो 2021 में हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है बंसी रिव्यूज़। अभी तक मैंने जिन गाड़ियों के रिव्यूज़ किए थे वो मेरी अपनी थी, या मोबाइल वगैरह के भी रिव्यू किए वो मेरे अपने थे, तो इस वजह से उनको हम व्लॉग कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन अब से जो रिव्यूज़ बनेंगे वो क्योंकि दूसरों की गाड़ी है, दूसरी चीज़ों के बनेंगे, तो उसके लिए हमें नई सीरीज़ चाहिए थी, तो मैंने एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया है। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, एक्वा जी क्लास का एस प्रॉमिस रिव्यू आपके सामने आया है। तो मामला ये है, लाइक यू बी स्ट्रॉन्ग टू होल्ड द पावर्स ऑफ द सन, टू ड्रीम बिलीव इन स्ट्रेंथ, नाउ आई एम द ओनली वन, ओनली वन। ये है टोयोटा एक्वा जी क्लास पर्ल वाइट कलर में, जो कि सबसे महंगा कलर आता है किसी भी एक्वा में। इसकी वजह ये है कि वाइट कलर आपको पता है ऐसे भी थोड़ा हॉट कैश होता है, इसके अलावा थोड़ी सी इसकी प्राइस भी ज्यादा होती है। तो ये है जी क्लास जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता है, इस तरह मेरी मीरा जी क्लास है, उस तरह ही एक्वा जी क्लास है। ज्यादातर जो जी क्लास में फर्क होता है वो अंदर की साइड में होता है, बाहर की साइड में सारी गाड़ियां जैसी दिखती है इस तरह के आपके सामने है, मगर इसमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि इसका जो टोयोटा है उसमें ब्लू कलर आता है। अब ये जैपनीज और ये प्रियस वगैरह की निशानी यही है कि इसमें जो है ना कि ये वाला एम्बलम आता है, सिवाय के करोला और इस तरह टोयोटा का आता है, वो वाला एम्बलम नहीं आता। बाकी इसके थोड़े बहुत चश्मे मैं आपको दिखाता चलता हूँ, बाकी सारा सेम है। बाकी फॉग लैंप लगे हुए हैं इसमें, सबसे पहली चीज़ तो इसमें फॉग लैंप है। बाकी सारी जो नॉर्मल एक्वा है उसकी तरह इसका इंटीरियर एक्सटीरियर है, बाकी मेरी गाड़ी जा रही है पीछे। अच्छा भाई, तो पीछे से भी आपके सामने मामला बिल्कुल सेम है। ये 2013 का मॉडल है, क्योंकि इसके बाद आपको पता है लाइटें चेंज हो गई थी, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में ये वाली एक्वा चलती है, क्योंकि उस वाली एक्वा के बाद एक्वा डिसकंटिन्यू हो गई तो लोगों ने लेना छोड़ दी। लेकिन इसकी जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी स्पॉइलर पर सबसे पहले तो ब्रेक लैंप है और बैक वाइपर है, जो कि मैंने आपको पिछली अपनी मीरा की रिव्यू में बताया था कि बैक वाइपर नहीं है उसमें, लेकिन इसमें है। ये बैक वाइपर है इसमें, जो कि चलता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी ब्रेक लैंप है पीछे स्पॉइलर पे, बाकी पीछे से बिल्कुल ऐसी दिखती है। इसके अलावा इसमें बैक कैपेसिटी अच्छी खासी है, मतलब इवन दो इट्स एन हैच बैक, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें अच्छे खासे हैंड बैग तो कैच इसमें अच्छे खासे बक्से आ सकते हैं। बाकी मैं आपको गाड़ी के अंदर ले जाके दिखाता हूँ गाड़ी का आगे के मामला। तो भाई हम गाड़ी के अंदर आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट का ऑप्शन दिखता है, इसके अलावा यहाँ पे आपको साइड मिरर का सारा सिस्टम नज़र आता है, जो कि रिट्रैक्टेबल भी है आपके सामने, ये अभी खुल जाएंगे। और यहाँ पे लेफ्ट राइट इनको एडजस्टमेंट भी है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं मिरर एडजस्ट हो रहा है सिर्फ बटन्स के हिसाब से। बाकी ये हेडलाइट एडजस्टमेंट है, तो कि आप अपने हिसाब से गाड़ी की जितनी भी हेडलाइट है उनको एडजस्ट कर सकें। यहाँ पे आपके सामने फॉग लैंप भी है, भाई बाकी यहाँ पे सारा सिस्टम सेम है, ये गाड़ी लॉक हो गई अनलॉक हो गई है आप। बाकी विंडोज पावर्ड है, जो ड्राइवर साइड विंडो है वो ऑटोमेटिक है। तो भाई जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मुझे एक बहुत अच्छी फील जो सबसे पहले आई है वो ये है कि एक तो उसका डिजिटल मीटर जो है उसकी पोजीशनिंग जो है वो सबसे सामने है। जिस तरह बाकी गाड़ियों में जो है ना एक प्रॉब्लम आती है वो स्टेयरिंग के बीच में जब होता है ना, तो आपको स्टेयरिंग से थोड़ी बहुत हिंड्रेंस नज़र आती है। वैसे गाड़ी चलाते हुए मीटर देखना भी बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन एक एस्थेटिक वाइब आपको अच्छी आती है इसमें कि आप बैठ के मीटर आपके सामने है और बाकी हिसाब किताब भी बड़ा आपका सही रहता है। कलर वाइज भी अच्छा है, मतलब जिस तरह अभी हमने स्पोर्टेज में देखा कि ब्लैक एंड वाइट उसका मीटर है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये काफ़ी अच्छी आपको फील आती है गाड़ी में बैठ के। बाकी वहाँ पे उस साइड पे आपको चार्जिंग दिखा रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह सारा सिस्टम है। गाड़ी में बैठ के एक काफ़ी अच्छी गाड़ी की लुक आती है, इस तरह मेरी मीरा में अगर आप बैठे हो फिर आप करोला में आओ तो आपको पता लगता है कि गाड़ी का डिफरेंस आया है, एक बड़े कैबिन में आगे बैठे हो। एक्वा में आपको अच्छी बात यह है कि आपको नहीं लगता कि आप किसी छोटी गाड़ी में बैठे हो, एक हैचबैक में बैठे हो, क्योंकि वैसे ही प्रियस सी कहलाती है, तो उसका जो आगे का सिस्टम है सारा प्रियस से आइडेंटिकल और सिस्टम सारा वे है। बाकी हाइब्रिड होने की वजह से इसकी पिक चेक करें, ये एकदम हाथों से छूटती है। अभी मैंने बिल्कुल भी इसको एक्सीलेटर मतलब बिल्कुल नॉर्मल रखा है, बिल्कुल भगा नहीं रहा मैं। अब अगर मैं इसका हाथ तेज़ करता हूँ तो ये देखिए, अब आपको इंजन की आवाज़ भी आएगी, क्योंकि अभी यह बैटरी से पेट्रोल पर आ गई है, अभी दोबारा ईवी पर आ गई है। तो एक बहुत अच्छी बात इसकी यही है कि ये बड़ी इंटेलिजेंट चलती है इस मामले में, कि इसकी जो अभी ईवी पे चल रही है बैटरी पे चल रही है, अब जब मैं इसकी स्पीड तेज़ करूँगा तो फिर ये पेट्रोल पे चली जाएगी। तो गाड़ी की ड्राइव भी ओवरऑल बहुत अच्छी है, एक हैचबैक, क्योंकि जैपनीज़ कार है आपको पता है, अपनी पाकिस्तानी गाड़ी से इसकी
एवरेज अच्छी होती है। अब हम एक स्पीड ब्रेकर पे आ गए हैं तो उसी ग्राउंड क्लियरेंस का सारा थोड़ा सा मसला है, तो हमें थोड़ी टेढ़ी करके बड़ी स्लो निकालनी पड़ेगी वरना ये लग जाएगी, और अगर ये लग गई तो गाड़ी मेरी है नहीं। ये वाली तो जमीन हाँ, ये स्पीड ब्रेकर भी वैसे बड़े वैशी किस्म के बनाए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन वैसे गाड़ी आपके सामने है, मतलब हमें बड़ी अच्छी फील आई है। बाकी ये चाबी हमारे पास उसी तरह कीलेस वाला सारा सिस्टम है, तो हमें चाबी की भी ज़रूरत नहीं है, और एक अच्छी फील हमें गाड़ी की मिल रही है। तो भाई एक्वा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे जी क्लास है तो इसका भी रिमोट ही है, कोई चाबी नहीं है। तो भाई ये चाबी है जिसमें आपके सामने यहाँ पे टोयोटा की ब्रांडिंग हुई है, बाकी यहाँ पे अनलॉक और लॉक ऑप्शन है, बाकी ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कीलेस गाड़ियाँ ऐसी होती हैं। तो ये रिमोट है, मगर इसके अंदर यहाँ पे सेंसर होता है जिस तरह आपके सामने अनलॉक हो गई। अभी मैं इसको लॉक करता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ कि जब मैं इसके अंदर हाथ डालूंगा ना विद की या रिमोट तो ये खुल जाएगी। अभी आप चेक करिएगा और ये खुल गई, तो ये बहुत अच्छी है इसकी, ये भी बड़ी अच्छी वाइब है, सेंसर लगे हुए अंदर। तो भाई जैसे कि आप लोग को मैंने मीरा के रिव्यू में बताया था कि गाड़ी में आगे पीछे करने का ऑप्शन या ऐसे आगे पीछे होने का ऑप्शन तो है, मगर हाइट एडजस्टमेंट भी इस गाड़ी में भी मौजूद है। तो ये गाड़ी अभी यहाँ से आपके सामने सीट ऊपर हो रही है और अभी आप इसको नीचे भी कर सकते हो, तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन रहता है अगर कोई बंदा, जैसे अब अंडर एज ड्राइविंग को तो हम प्रमोट नहीं करते, लेकिन अगर कोई शॉर्ट हाइटेड बंदा है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो ये भी सही ऑप्शन है। बाकी यहाँ से बोनेट वगैरह खुलते हैं। एक बटन मैं भूल गया था पीछे बताना, जैसे ये फॉग लैम्प का बटन तो है, लेकिन ये इंजन की आवाज़ कम करने का ऑप्शन है। वैसे तो इंजन में पता नहीं कोई आवाज़ तो है नहीं, लेकिन जो थोड़ी बहुत है वो भी आप ख़त्म कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो भाई इसमें है 1.5 लीटर फोर सिलेंडर इंजन, तो फोर सिलेंडर का फ़ायदा ये है कि गाड़ी अंडर पावर फील नहीं होती। वो तो खैर मैंने आपको भी ड्राइव में भी दिखा दिया कि जैसे आप उसका एक्सेलरेटर दबाते हैं गाड़ी हाथ से बहुत अच्छी निकलती है, बाकी एफिशिएंट है, वो जानते हैं कब बैटरी पे चलना है कब पेट्रोल पे चलना है, तो एक अच्छी बात है। भाई इसका जो रियर व्यू मिरर है वो भी डिमिंग है, तो जैसे कि अभी मैं पीछे से लाया, अब ये जो है इसका रियर व्यू मिरर डिम हो गया है, तो ये है कि सनलाइट वगैरह इन सब चीज़ों में काफ़ी आपको इफेक्टिव रहता है। तो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था वो, मैंने जब वीडियो इंपोर्ट की तो मुझे पता लगा एक हमारा शॉट था वो सही से मतलब बना सही था, लेकिन मेरे पास जो मैंने कॉपी पेस्ट किया उसमें कहीं डिलीट हो गया मुझसे, तो वो गाड़ी का इंटीरियर शॉट था, तो मैंने कहा दोबारा बना लेता है, थोड़ा सा रात हो गई है तो बेयर किएगा। वैसे तो सही है इसकी लाइट अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा इस बार नहीं, ये लाइट भी आपको देखने को मिल गई है कि ये मोर देन इनफ लाइट है आगे पीछे देखने के लिए गाड़ी में। लेकिन इसके अलावा ये है कि यहाँ पे जो सारा सिस्टम इंटीरियर का वो ये है कि ये इसके अंदर एक मल्टीमीडिया सिस्टम है जो कि जैपनीज़ है जेन्युइन, तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको समझ कुछ नहीं आएगा इस पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज़ बड़ी रिलायबल है, चलने वाली चीज़ है, अगर आप इसको समझ लें थोड़ा मतलब बेसिक चीज़ें तो आपको चलाने में बड़ी आसानी होती है। इसके अलावा इसका एसी जो है वो भी डिजिटल है, जिस तरह मेरी गाड़ी का है, लग्जरी नहीं है लेकिन डिजिटल है, तो ये है कि आप इसका जो है जिस तरह अभी 22.5 पे चल रहा है और ये आप देख सकते हैं कि डाइस टाइप है, तो ये जिसको आप टर्न करते हैं तो यहाँ पे ब्लू साइड और रेड साइड है, तो अगर आप रेड साइड पे करते रहेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और अगर आप इसको ब्लू साइड पे करते रहेंगे तो कम होता जाएगा, जो कि एक बड़ा अच्छा एस्थेटिक वाइब है। बाकी स्टेयरिंग से भी टेम्परेचर कंट्रोल होता है इसका, तो आप यहाँ से भी इसको मैन्यूवर कर सकते हैं। बाकी एसी ऑन करने का ऑप्शन है और बाकी रियर फ्रंट हीटर वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें है। इसके अलावा इसका गियर जो देखेंगे तो ये वो ब्लू कलर है जो कि आगे आपको मैंने लोगों में एम्बलम में दिखाया था टोयोटा के, तो वो भी इसमें है। कप होल्डर है, फिर एक थोड़ा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है जहाँ पे ये टायर प्रेशर गेज और मतलब काफ़ी चीज़ें आप रख सकते हैं, सिर्फ ये तो खैर गाड़ी की ज़रूरियात की चीज़ें, मतलब वैसे ही आप चीज़ें रख सकते हैं। तो गियर बॉक्स बिल्कुल अलग से नहीं आ रहा, बिल्कुल फ्लैट है, तो मतलब एक अलग अच्छा चीज़ लगता है कि एक कोहेसिव लुक आता है गाड़ी का। इसके अलावा अगर आप इधर आएंगे तो इसमें दो तरह के मोड है, तो भाई यहाँ पे अगर आप आते हैं तो पहले तो इको मोड है, वो हर गाड़ी वाला जो सेम ही होता है कि आप इसको चलाएंगे तो फ्यूल एवरेज गाड़ी अच्छी देगी। इसके अलावा ईवी मोड है जिस पे इसका मतलब ये है कि गाड़ी आपकी ओवरऑल बैटरी पे चलती है, पेट्रोल कंजम्पशन नहीं होती, तो मतलब ईवी मोड का ये है कि बैटरी पे गाड़ी चलती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी क्लास है तो इसमें हीटेड सीट्स हैं, जैसे ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड की, तो सर्दियाँ चल रही हैं अभी, जैसे रोड ट्रिप पे पंजाब वगैरह के अंदर बंदा चला जाएंगे तो वहाँ पे सर्दी आपको पता है थोड़ी कंपैरेटिवली कराची से ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हीटेड सीट अपना काम दिखाती है। मुझे अभी से गर्मी फील होना शुरू हो गई है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो यह है कि बहुत इफेक्टिव और बड़ा अच्छा। बाकी आपके सामने मैंने उस भी बताई थी ये बात, ये गाड़ी अभी ऑन चल रही है लेकिन जीरो साउंड है क्योंकि बैटरी पे चलती है, तो एक ये बहुत इसका प्लस पॉइंट है कि गाड़ी अभी स्टार्ट है और आवाज़ वाज़ कोई नहीं है, तो आप मतलब एक जो नॉइज है एक जो शोर शराबे वाली हमारी ज़िंदगी है, आपकी गाड़ी आपको वो वाली वाइब नहीं देती बाहर से, तो खैर आपके सामने 70 हम यूँ गुजरती हैं तो उसमें तो मसला नहीं है। बाकी यहाँ पे दो ग्लव बॉक्स हैं, एक ये है जिधर जिसका अच्छा, जैसे आपने टिश्यू बॉक्स वगैरह रख लिया, फ़ोन रख लिया, बाकी एक ये वाला है जिसमें
नॉर्मल स्टोरेज कंपार्टमेंट है। सीट कवर माहिर भाई ने चेंज कराए हैं, इसके ऐसे नहीं होते, तो ये जरा डिफरेंट सी चीज़ है। बाकी कैपेसिटी इसमें यह है कि चार बंदे बहुत आराम से आ जाएंगे, पांचवा बंदा क्योंकि इसमें आर्मरेस्ट है, मीरा भी नहीं थी तो आपको बताया कि पांच बंदे भी आराम से बैठ जाते थे, लेकिन इसका आर्मरेस्ट जो है पीछे तक एक्सटेंड होता है, उस वजह से जो है पांच बंदे बैठना थोड़ा मुश्किल, लॉन्गर जर्नी, शॉर्टर जर्नी में आराम से बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं। बाकी टपा टपा हैंड ब्रेक नहीं है, नॉर्मल वाली हैंड ब्रेक है इसमें। डैशबोर्ड देख सकते हैं, आपको निशान नजर आ रहे होंगे, ये ऐसा लगता है बच्चा कोई बैठ गया ना उससे यूं करके अपने नाखून मारे हो, या कोई किसी ने पहले गाड़ी में कुत्ता या बिल्ली बिठाई और इसके ऐसे नाखून के निशान हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है, हर एक्वा में ऐसी होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बड़ा अच्छा मटेरियल लगता है, एक अलग सी वाइब आती है, लेकिन ये जो नाखून के निशान है ये नाखून के निशान नहीं है, ये हर एक्वा में होता है। जब माहिर ने गाड़ी ली थी, मैंने उससे पूछा था कि भाई ये नाखून के निशान किसने मारे हैं, तो उसने कहा था नाखून के निशान नहीं होते, ये हर गाड़ी में होता है। और जब मैंने रिसर्च की, मुझे पता लगा हाँ भाई ये इस गाड़ी का अपना एक डिज़ाइन है, जो कि थोड़ा सा वियर्ड सा लगता है, लेकिन बाकी ये है कि डोर में इसके ये ट्वीटर है और नीचे इसके बेस है, आवाज़ उसमें से आती है ऊपर वाले में से, इस वाले स्पीकर में से, बाकी इसमें से बेस आती है, तो छः स्पीकर है और गाड़ी मतलब फुल, अगर आप स्टॉप साउंड सिस्टम पे भी चलाएं तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है आपको, अगर आप शौकीन है फिर आप एम्पलीफायर वगैरह वो तो अलग हिसाब किताब हो जाता है, लेकिन अगर आप गाड़ी के साउंड पे जाएंगे तो साउंड भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दो स्पीकर डैशबोर्ड में, दो पीछे और दो वैसे ये है, वैसे तो आठ हो गए लेकिन वो बेस वाले को हम कंसिडर नहीं करते, तो छः स्पीकर हैं और साउंड काफ़ी अच्छा। तो भाई आई होप आप लोग को मेरी नई सीरीज़ का आइडिया पसंद आया होगा और आप लोग उसको कराची गाँव मंडी स्टोरी जैसा रिस्पॉन्ड देंगे, क्योंकि जिस तरह कराची गाँव मंडी स्टोरीज़ की वीडियोज़ हैं वो पाँच ही हैं, लेकिन पाँच पे इतने व्यूज़ इतने मेरे शायद कोई 20-25 व्लॉग्स भी मिला लो तो ना बने, तो आप लोग उस तरह का इसको भी रिस्पॉन्स देंगे। अब ये नई सीरीज आगाज़ हुई है, इसमें एक अच्छी अनाउंसमेंट ये है कि हर सैटरडे शाम को 6-7-8 जितने बजे, क्योंकि पाकिस्तान है भाई मैं टाइम प्रॉमिस नहीं कर सकता, जिस तरह पिछले वीक मैंने वीडियो डाली थी कि ब्लैकआउट हो गया था, तो मैं इस तरह का कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता कि भाई टाइमिंग वाइज मैं कुछ करूँ, लेकिन सैटरडे वाले दिन वीडियो आया करेगी हर सैटरडे बंसी रिव्यूज़ की। अगर नहीं आती तो समझ जाएगा कि अगर प्रॉब्लम कोई ज़्यादा हुई जैसे कि लाइट वगैरह का वो तो आपको ही पता होगी, लेकिन अगर वैसे कोई प्रॉब्लम है तो समझ जाएगा कि या तो मैं बिजी हूँ अच्छा खासा या मेरी तबीयत वगैरह ख़राब, ऐसा कुछ हुआ तो फिर शायद हम मिस कर जाएं, वरना हर सैटरडे एक बंसी रिव्यूज़ की वीडियो बड़ी ज़रूरी हो जाएगी, जो कि हर सैटरडे आया करेगी, तो अपने जो है नोटिफिकेशन का दबा दें, क्योंकि हर सैटरडे आपको नोटिफिकेशन आएगा बंसी की तरफ से। कंसिस्टेंट होने के लिए मैंने ये सीरीज़ निकाली है, व्यूज़ की अभी इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे अप्रिशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। तो अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ अगले नेक्स्ट रिव्यू में, गाड़ी का हो सकता है, रिव्यू है तो गाड़ी मोबाइल एनीथिंग किसी भी चीज़ का रिव्यू हो सकता है, जस्ट टू चैलेंज माई सेल्फ फॉर कंसिस्टेंसी। सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अभी वहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियोस नहीं डाली क्योंकि आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा तबियत थोड़ी नासाज है, तो मैं कंप्यूटर अवॉइड कर रहा था, थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है आंखों पे, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपने बन के साथ अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए ठीक है भैया, पीस आउट, मिलता हूँ नेक्स्ट सैटरडे, और अगर व्लॉग वगैरह भी चूँगा तो वो जिस तरह आता है उसी तरह आएगा, ठीक है भैया, पीस आउट।